हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीता। वेलकम बैक टू माय चैनल विनीताज ब्यूटी टिप्स। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिमालयाज का नीम फेशियल किट, जिसको यूज़ करने से आपके एक ही दिन में एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताऊँगी कि इस फेशियल किट को आपको कैसे यूज़ करना है स्टेप बाई स्टेप, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लिंजर। कोई भी फेशियल करने से पहले या कोई फेस पैक लगाने से पहले हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्किन बिल्कुल क्लीन हो। तो हम सबसे पहले क्लिंजिंग करेंगे। तो मैंने अपने फेस क्लींस करने के लिए ले लिया है हिमालय का नीम प्यूरीफाइंग फेस वॉश। इसमें नीम एंड टर्मरिक है। नीम हमारे स्किन की बैड बैक्टीरिया को मारता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहते हैं। सो हमारे स्किन की एक्ने प्रॉब्लम्स, पिंपल प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। और टर्मरिक हमारे स्किन को लाइटन ब्राइटन करने में मदद तो करती ही है, हमारे एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है, हमारे एक्ने पिंपल्स स्पॉट्स को भी कुछ हद तक ये रिड्यूस कर देती है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फेस वॉश से अपने फेस को क्लींस कर लेना है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप है प्यूरीफाइंग नीम स्क्रब। हिमालयाज का ये भी है। इसमें एप्रिकॉट है और नीम है। इस स्क्रब को आपको कैसे यूज़ करना है मैं बता देती हूँ। पहले अपने फेस को फेस वॉश से क्लींस करके उसके बाद 10 से 15 मिनट अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, फिर पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इसमें नीम है, एप्रिकॉट है। नीम हमारे स्किन को डीपली क्लींस करता है, हमारे स्किन के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को किल करता है, हमारे स्किन को बहुत ही हेल्दी लुक देता है। और एप्रिकॉट हमारे स्किन को एक्सफोलिएशन करने में बहुत मदद करता है, हमारे स्किन को स्मूदर बनाता है। तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा है ये। सो हो गया, ये रहा हमारा सेकेंड स्टेप। उसके बाद सो थर्ड स्टेप है प्यूरीफाइंग नीम पैक, फेस पैक है ये। इसको आपको अपने फेस पे अच्छी तरीके से लगा के एक थिक लेयर लगानी है। लगा के आप 20 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद अपने फेस वॉश कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपके पिंपल्स एक्ने एक ही दिन में रिड्यूस हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा फेस पैक है ये, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बल्कि इस फेशियल किट को ही यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा है ये। आपके एक ही दिन में आपके एक्ने पिंपल्स दूर हो जाएंगे। तो इस फेस पैक में क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है नीम एंड टर्मरिक। नीम हमारे स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लींस करता है और हमारे स्किन की बैड बैक्टीरिया को मारता है, हमारे स्किन की एक्ने प्रॉब्लम्स, पिंपल प्रॉब्लम्स को दूर करता है, रैशेस को दूर करता है, बहुत ही अच्छा है ये। और टर्मरिक हमारे स्किन को लाइटन करने में मदद करता है, हमारे स्किन की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा कर देता है, और हमारे स्किन की जो हमारे स्किन को बहुत हेल्दी लुक देता है। सो फोर्थ स्टेप है प्यूरीफाइंग नीम पील ऑफ मार्क्स। नीम पील ऑफ मार्क्स को आप अपने फेस पे 10 से 15 मिनट लगा के उसके बाद इसको रिमूव करके नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना। इससे आपके एक्ने पिंपल्स सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा पील ऑफ मार्क्स है ये। और इसमें है नीम एंड टर्मरिक। मैंने पहले ही बताया है नीम एंड टर्मरिक हमारे स्किन को डीपली क्लींस करता है और हमारे स्किन को लाइटन ब्राइटन करने में मदद करता है, एक्ने प्रॉब्लम्स को दूर करता है और एक्ने मार्क्स को भी दूर करने में मदद करता है। सो ये तो हो गया फेशियल किट। लेकिन इसको यूज़ करने से सिर्फ आपके एक्ने पिंपल्स ही जाएंगे, लेकिन उसके स्पॉट्स तो रह ही जाते हैं, कई बार क्या हमेशा ही रह जाते हैं। तो उसका नुस्खा भी मैं आपको बताऊँगी। सो अगर आप का एक्ने और पिंपल्स मार्क ज़्यादा है तो आप क्या करना, सबसे पहले आप एक लेमन को आधा काट लीजिए और जहाँ जहाँ आपके एक्ने स्पॉट से पिंपल्स स्पॉट है वहाँ पर लगा के 20 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। सेकेंड टिप है एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल। एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल को आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स स्कार है और एक्ने स्कार है वो आप वहाँ पर लगा दें, ओवरनाइट इसको रखें, उसके बाद वॉश कर लें। इससे भी आपके एक्ने प्रॉब्लम्स, पिंपल प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा है ये, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद थर्ड टिप, ये टोनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसको मैंने कैसे बनाया मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैंने एक कप पानी में ग्रीन टी और नीम लीव्स को कुछ देर तक भिगो के रख दिया था। उसके बाद कुछ देर मतलब एक से आधे घंटे तक भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको छान कर कोई भी एसेंशियल ऑयल इसमें मैंने डाला है और इसको ऐसे मिक्स करके मैं इसको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपकी स्किन पे दोबारा पिंपल्स आएंगे ही नहीं।
आप गारंटी ले लो दोबारा पिंपल्स आएंगे ही नहीं। बहुत ही अच्छा टोनर है ये, और आप सबको अगर यूज़ करें, ये पूरा रेंज अगर आप यूज़ करें और पूरे स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो आपके एक्ने पिंपल्स एक दिन में ही चले जाएंगे और इसके स्कार भी बहुत जल्दी आपकी स्किन से दूर हो जाएंगे। सो मेरी रेमेडी अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।